अभी कौन कौन आया? ज्वाला सुरभि आशीष उमा। चलिए अब बताइए कि इसमें मिसिंग नंबर कौन सा है, क्या होगा? पहला क्वेश्चन है, ए सी पी क्यू इज टू बी ई एस यू, इसमें वही संबंध होगा जो एम एन जी आई इज टू क्या, तो इस क्या की जगह होना चाहिए एन पी जे एल, एन ओ जे एम, एन पी आई एल, एन पी जे एम, बताइए क्या होना चाहिए? सर बी होना चाहिए सर। कौन बोल रहे हैं? सर नकुल बोल रहा बी हूँ सर। कैसे नकुल? सर पहले वाले में सर एक का गैप है, जैसे ए के बाद बी है सर और सी के बाद डी है, तो दो का है सर। यहाँ एक का गैप है, यहाँ दो का गैप है, फिर पी से एस में सी डी। सर तीन का सर, फिर वो चार का सर। सर डी होगा। तो ये जब बात समझ में आए तो डी ना होगा मेरे भाई, बी क्यों बोल रहे हैं? नकुल बी होगा ना, यस सर, बी यस सर, होगा यस सर। ना। अगर किसी ईयर में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ईयर, इन अ पर्टिकुलर ईयर, किसी एक खास साल में जो है 12 जनवरी, वो संडे है, तो बताइए 15 जुलाई इज अ 15 जुलाई इज देन 15 जुलाई इज अ संडे, ए बी 15 जुलाई इज अ संडे, सी 12th जुलाई इज अ संडे, डी 12th जुलाई इज नॉट अ संडे। इफ द ईयर इज लीप ईयर, इफ द ईयर इज लीप ईयर, इफ द ईयर इज नॉट लीप ईयर, इफ द ईयर इज लीप ईयर, इफ द ईयर इज लीप ईयर, क्या होगा बताइए? बोलिए। लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर होता है दैट ईयर इफ इट इज डिवाइडेड बाय 4, दे इट इज एन इंटीजर, इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4। जैसे मान लीजिए 400 BC, 400 AD, क्या हुआ आपका? ये लीप ईयर है। तो बताइए, आसान है, होना चाहिए। अच्छा, 12 करके अगर लीप ईयर है, मान लीजिए,
लीप ईयर है, अगर 4 से डिवाइड हो गया तब तो फरवरी उस साल 29 का फरवरी होता है, 29 फरवरी होगी तब उसमें। तो 12 जून से 15 जुलाई, 12 जून से सॉरी 12 जनवरी से, इसका आंसर सी आएगा। हाँ सी तो सही है, 12 जनवरी, 12 जनवरी से 15 जुलाई, कितना था? हाँ 15 जुलाई। तो कितने दिन हुए कोई बताएगा? अगर ये लीप ईयर है तो, अगर ये लीप ईयर है तो देखो यार, 12 जनवरी से 15, 12 जनवरी को संडे था, ठीक है, तो तुम्हारे जनवरी में कितने दिन मिल गए? और बताओ, 12 जनवरी से 15 जुलाई के, मतलब फरवरी, टोटल डेज ऑफ 173। हाँ फरवरी में 29 हो गया, फरवरी में 29 हो गया लीप ईयर है, तो मार्च में, जनवरी फरवरी मार्च 31 हो गया, फिर इसमें 30 हो गया, फिर इसमें 31 हो गया, फिर इसमें 30 हो गया, फिर जुलाई में 15 जुलाई ऐसा हो गया, और जनवरी में देखिए कितना हो गया, कितना दिन, 12 से 8 मतलब 17, 12 छोड़ के 12 से 15 जोड़ो अगर, तो 13 14 15, 3 दिन उधर हो गए, 15 वो 18, 19 दिन हो गए जनवरी में। अब देखो जोड़ो कितना दिन हो गया, टोटल जोड़ कोई आ रहा है, कितना आ रहा है जोड़ के? 185 आ रहा है, 185 आ रहा है, क्या करेंगे? 185 आ रहा है तो 185 संडे कब होगा? तो देखते चले जाओ, तुम ऐसे देख लो यार, लीप ईयर हो मतलब ऐसे में तो फिर कैसे किए कुबेर, कैसे किए? किसका आया था आंसर? हाँ क्या चीज, फिर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही है, उधर आ जाता हूँ। आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ नहीं तो आपने सी ऑप्शन को ही क्यों चेक किया, आपने ए को क्यों नहीं चेक किया? अच्छा ए नहीं आया, अच्छा ए भी नहीं, बी भी नहीं, ए पे 185 हुआ, तो 185 को पूछ रहा है संडे होगा कि नहीं, 7 से कट रहा है क्या ये? तो 7 दूना 14, ये नहीं कट रहा है ना, यानी संडे नहीं होगा। फिर 15 जुलाई से नॉट लीप ईयर, लीप ईयर अगर नहीं भी है, लीप ईयर नहीं हो तो बहुत होगा, 184 आ जाएगा, ये भी 7 से डिवाइड करेगा, ये भी नहीं जाएगा, क्यों ऐसा होगा? आप ये समझिए, ये समझिए, इसको इसको थोड़ा सिंपल करके देख लेते हैं, इसको सिंपल करके देखते हैं। 12 जनवरी, और समझ लीजिए, 12 जनवरी से लेकर के, 12 को संडे था, 12 जनवरी, 19 जनवरी, फिर 19 और 7, 26 जनवरी। चलिए मान लीजिए हमसे पूछता है कि 12 जनवरी को संडे था, तो बताओ 29 जनवरी को क्या होगा, या मान लो 26 जनवरी को क्या होगा, तो आप क्या कहिएगा कि 12 और 26 के बीच में जो गैप कितना है? देखिए 12 और 26 के बीच में गैप कितना है, 14 days। 14 डेज है क्या? 13 14 जी सर। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
पच्चीस छब्बीस, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, चौदह आ गया था। तो 12 जनवरी से 26 जनवरी का यानी कि मतलब टोटल देखिएगा, टोटल 16 दिन हो गया, गैप 14 दिन का है। यानी अगर हमको एक सीख मिलती है कि अगर हमें पता करना है कि इस डेट को डे पता है हमको और नेक्स्ट डे का डेट पता करना है, तो सीधे हम डिफरेंस ले लें। तो यहाँ जब मैंने डिफरेंस लिया 12 जनवरी से 15 जुलाई, तो ये हमने तो 15 ले लिया, यहाँ पे हमको गैप लेना चाहिए, तो 12 13 को छोड़ देना चाहिए, 19 ये 14 होना चाहिए था, क्यों? ये 14 होना चाहिए था ना, गैप लेना हमको। तो मेरा 12 जनवरी से लेकर के 12 जनवरी से लेकर के आपका 15 जुलाई तक कितने दिन हुए बताइए? 184 डेज हुए शायद, है ना? अगर लीप ईयर है तो सर, अगर लीप ईयर है तो हम 15 जुलाई जो है उसे काउंट करेंगे ना, हम 12 जनवरी को छोड़ सकते हैं लेकिन 15 जुलाई को नहीं छोड़ सकते ना। क्यों? अभी जैसे इस एग्जांपल में हम लोग क्या कर रहे थे, इस एग्जांपल में कि हम लोग 12 जनवरी 26 जनवरी हम दो बार 26 में से 12 आपने सबट्रैक्ट किया सीधे, तो कितना क्या क्या काउंट किया जाएगा 26? अरे 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, आपका 14 दिन तो हो गया, आपने कहाँ काउंट किया 26? लेकिन सर जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा सेम डे तभी आएगा जब नेक्स्ट डे होगा। हाँ ठीक बात है, तो वही कह रहे हैं ना कि 7 डेज का दो पैकेट बीत गया, 7 7, तो इसके ठीक बाद 7 शुरू हुआ और ठीक बाद 7 शुरू हुआ, आप ऐसे समझिए। यस सर। जैसे 12 जनवरी को अगर संडे था तो फिर जो है हमारा एक वीक बीत गया, फिर एक वीक बीत गया, तो साथ साथ 14, फिर आपका 26 जनवरी आ गया, आप बात समझिए, ये दिन काउंट नहीं है इसमें, तभी तो ये संडे हुआ, बात समझ में आई किसी के? यस सर, अगर हम इसको काउंट करते तो हमारा लास्ट डे होता जो 7 होता, अगर हमने इसको काउंट नहीं। हाँ मैं समझ गया, 12 जनवरी से लेकर के अगर आपका दूध घर में आता है, दूध 12 जनवरी से 26 जनवरी आता है, तो कितने दूध दिन दूध आया नकुल बताओ? कितने दिन सर? 16 डेज। 16 दिन कौन बोल रहा है सर? ज्वाला चौहान, बिकॉज हम सर 12 को भी लगाएंगे और काउंट करेंगे 26 को भी। हाँ तो 16 नकुल। हाँ सर 16 ही दिन आएगा सर, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे ना। 15 किलो दूध आया, कितने दिन दूध आया? चार दिन आया सर। चार दिन आया सर। 12 13 14 15, चार दिन आया। ये कैसे आया? 15 में से आपने 12 घटा दिया 3 और 1 जोड़ दिया, तो कितना आ गया? 4 दिन। अब यहाँ पे 12 तारीख से लेके 26 तारीख तक दूध आया, तो कितने दिन दूध आया? 15। तो क्यों 16 हाँ कह रहे हो यार? सर मिस्टेक हो गई सर, मिस्टेक हो गई, सब लोग 16 कह रहे हो, दूध का हिसाब सही से जोड़ लो पहले। प्रतीक्षा कितने दिन दूध आया सर? 15 डेज। तो पहले क्यों 16 दिन कर रहे थे आप लोग? अगर हमारी छुट्टी 7 मार्च से लेकर के 23 मार्च तक है तो बताइए छुट्टी कितने दिन है?
बताइए। 17 दिन 17 डेज सर। 17 डेज सर, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए यार। हाँ 17 डेज। अब बताइए, अगर मैं 12 जनवरी से दूध ले रहा हूँ तो 12 जनवरी से 26 जनवरी से दूध ले रहा हूँ तो अभी जो ज्वाला चौहान आप बोल रही थी 16 दिन, तब तो आप दूध वाले को ज्यादा पैसा दे दीजिएगा। बोलिए। और तुम सब लोग दूध वाले का हिसाब गड़बड़ करोगे, वो भी पट्टी पढ़ाएगा तुम लोगों को। अब बताओ, 12 तो दो बातें हैं, ये बात ख्याल रखना बिल्कुल एकदम समझ से, कि 12 जनवरी से लेकर के 26 जनवरी, ठीक है। अगर हम बोले कि 12 जनवरी से 26 जनवरी छुट्टी रह रही है तो कितने दिन छुट्टी रह रही है? 15 दिन। हाँ 15 डेज की 15 दिन होगी बात। हाँ इसको ऐसे सीखना चाहिए कि कोई पास की संख्या कि 12 से 15 ले लिए तो भाई 12, 13, 14, 15 ये आ गया 4 दिन, 15 में से 12 घट गया 3, वो इसको छोटा सा करके देख लेना चाहिए। अच्छा, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, अब समझिए, वो डेज वाली बात ऐसे काउंट करते हैं, लेकिन अगर 12 जनवरी को संडे था तो 26 जनवरी को कौन सा दिन हुआ ये देखने के लिए हम सीधे घटा देंगे। 12 से 26, 14, 26 से 12 के दिन में कितने कितने डेज आ गए, उन दोनों के बीच में कितने डेज आ गए? 14। हाँ 14 डेज आ गए, 14 डेज आ गए, मतलब 12 को संडे था, फिर एक हफ्ता बीता 7 दिन, फिर एक हफ्ता बीता 7 दिन, उसके बाद 14 हो गया, तो 12 में 14 आपने जोड़ लिया तो 26 आ गया। यानी कि आप समझिए, ये 26 को संडे पड़ा कि नहीं पड़ा? यस सर। जी सर। इसको ऐसे सोचेंगे जी, सातवां दिन ऐसे समझो, फिर से समझो 12 जनवरी, 26 जनवरी, 19 जनवरी, ठीक ना, 12, 19 में से 12 का गैप होगा 7। आज अगर संडे है तो उसमें हम 7 तारीख जोड़ दें तो नेक्स्ट संडे आएगा, फिर 7 तारीख जोड़ दें तो नेक्स्ट संडे आएगा, ऐसा होगा ना? जी सर। यानी कि अगर हम वीक्स में वीक से डेज का पता करें तो सीधे सीधे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दे, लेकिन नंबर ऑफ डेज गिनने के लिए हमको उसमें एक जोड़ना पड़ता है, और डेज घटाने के लिए कि भाई ठीक है हमारा 12 जनवरी संडे, फिर 19 जनवरी संडे, फिर 26 जनवरी संडे, ऐसे जोड़ते चले सीधे घटा देंगे। तो जो अभी आप बात कर रहे थे कि 12 जनवरी को आपका संडे था तो आपका क्या होगा 15 जुलाई को, तो समझिए आपने अभी जो जोड़ा था पीछे, ठीक है जोड़ लेता हूँ मैं यहीं पे जोड़ लेता हूँ, तो कितना दिन हो गया? अगर ये लीप ईयर है तो, लीप ईयर है तो 12 जनवरी से आपको 12 तो कंसीडर करना नहीं है, नहीं करना है ना, तो 13 से लेकर के 31 तक कितना दिन हो गया? 18 घटा यानी 19 दिन जनवरी में हो गया, जनवरी में। फरवरी में लीप ईयर है 29 दिन हो गया, मार्च में जनवरी मार्च 31 हो गया, अप्रैल में 30 हो गया, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 15 जुलाई, ठीक है 15 जुलाई, तो हमको 15 जुलाई यहां तक हमने ले लिया। आप बता सकते हैं 15 जुलाई को कौन सा डे पड़ेगा, कोई बताएगा? जैसे हमने कहा कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किए 15 में से 12, वेडनेसडे पड़ेगा, कैसे? कैसे बताइए? हाँ तो उसको, हाँ हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आप उसमें 12 कंसीडर करेंगे या बीच के गैप को कंसीडर करेंगे, क्या करेंगे? 12 को कंसीडर नहीं किए ना, और 12 और 15 को कंसीडर किए क्या जोड़ने में? बारह और पंद्रह को कंसीडर किया है ना कुबेर, कौन बोल रहा था?
हाँ अच्छा ठीक है, मान लीजिए मैं कहता हूं एक संडे, अगला संडे, अगला संडे, अगला संडे, ये कितना दिन हो गया? 28 डेज हो गया ना? बोलिए 28 डेज हो गया? यस सर। जी सर। तो 12 जनवरी तो हम लोग 28-28 दिन के पैकेट निकालते चलें, टोटल जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, 28 दिन का पैकेट निकालते चलें, तो 12 को कंसीडर कर लेते हैं, तब तो 12 को कंसीडर करना पड़ेगा ना हमको, तब तो 12 से 31 तक 20 दिन हो गया, क्यों? बारह से इकतीस 20 दिन हुआ कि नहीं हुआ कुबेर? तो हम 28 दिन के पैकेट निकालेंगे, हाँ 12 से, तो संडे चार संडे मिल करके हमारा 28 दिन बना रहा है, तो 12 से शुरू कर रहे हैं हम, तो 20 दिन इधर चला गया, 8 दिन इधर, तो एक यहाँ बच गया, फिर 31 और 32 हो गया कितना, 32 में से 28 चला गया तो 4 दिन यहाँ बच गया, फिर 30 और 4 34 हो गया, 28 हट गया तो 6 दिन यहाँ बच गया, 31 और 6 37 हो गया, फिर 28 घटा दीजिए 9 दिन यहाँ बच गया, फिर 30 और 9 हटा दीजिए 39, फिर कितना हटा दीजिए 28 दिन, तो फिर कितना बचा, 11 दिन बच गया, है ना, 11 दिन बच गया, और 15 जुलाई जोड़ लीजिए, 16, 11, 15, 16, यानी 11 और 15 हो गया 26, 26 दिन, फिर इसमें से भी हटा दीजिए 24, 28 दिन, नहीं 28 21, हाँ 20, क्या 21 सर, हम 21 डेज माइनस कर रहे हैं, हाँ 21 डेज, तो नहीं ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए 26 दिन हो गया तो 28वें दिन संडे था, फिर ये सैटरडे, हाँ, हो गया 27वें दिन, और ये थर्सडे आ रहा है यार कुबेर, कुबेर जी बताइए, मेरा तो थर्सडे आ रहा है 26वां दिन, क्योंकि 26 ये हो गया, 27 ये हो गया, 28 ये हो गया, देखिए संडे आफ्टर ये हो गया आपका 15, हाँ फ्राइडे, फ्राइडे होगा सर, हाँ फ्राइडे, सॉरी हाँ फ्राइडे, फ्राइडे आ रहा है कुबेर, मतलब इसमें इसमें कोई गलती तो दिख नहीं रही है भाई, हम तो चार चार, हम अगर ये पूछते हैं कि 1 तारीख को संडे था तो 31 तारीख को क्या होगा, तो इसका तरीका क्या आप बोलते हैं कि भाई संडे से 1 से 31 मतलब हमारा इसको कैसे करिए, कुबेर बताइए इसको अपने मेथड से बताइए कैसे करेंगे, उसी महीने में सोचिए, हाँ 1 को संडे, फिर कब संडे होगा बताइए, फिर कब संडे होगा, 8 को, हाँ यार 8 को संडे होगा, फिर 7 और जोड़ दो 15 को संडे होगा, फिर 22 को संडे होगा, फिर 29 को संडे होगा, फिर 30 को मंडे होगा, और 31 को ट्यूसडे होगा, कुबेर जी सर ये गलती हो रही थी है ना, ये ऐसा होगा, यानी कि हम ये देख, अच्छा ये एक तो तरीका ऐसे करने का हुआ, और वैसे घटा के सोचो कि हमें 31 में हमें 28 का पैकेट चाहिए, तो 1 से लेकर के 31 तक में हमको 28 से कितने पैकेट मिल गए, तो 31 में से हमने अगर एक घटा दिया कितना बच गया, 30 बचा, 30 में से 28 चला गया, यानी 30 दिन हमारे पास थे, तो 1 से 31 में, 1 यहाँ पे है 31 यहाँ पे है, और हमने 1 को लेते हुए हम 28 को ले गए, 1 को लेते हुए, 1 को भी हमारा दिन था संडे था, और
तो कितना करेंगे इसको यहाँ से एक को और यहाँ कितना करेंगे 28, पहला दिन संडे और फिर ये संडे, 28 को संडे होगा नहीं 29 को संडे होगा फिर सर 29 को होगा संडे जी 29 को होगा हाँ 29 यानी 28 जोड़ते चले जाए तो वही मैं कह रहा हूँ 28 जोड़ते चले जाओ तो जो आपका प्रॉब्लम था 12 जनवरी 15 जुलाई ये प्रॉब्लम था अब समझिए 28 जोड़ते चले जाइए 12 जनवरी फिर फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 12 जनवरी से आपने 28 जोड़ा ठीक है ये 31 का महीना होता है ये 29 का हो गया ये 31 का हो गया ये 30 का हो गया ये 31 का हो गया ये 30 का हो गया और ये 15 ठीक है तो मैं ये कह रहा हूं कि 28 जोड़ते चले जाइए तो 12 जनवरी में 28 जोड़िए तो 12 28 हाँ 40 हो गया 40 क्या चीज कैसे वेडनेस जाएगा जी जी सर वेडनेसडे ही आएगा सर 15 जुलाई को वेडनेसडे ही आएगा तो मैं पूछ रहा हूँ कैसे आएगा नहीं तो हम लोग क्या करें मतलब जैसे हम इस प्रोसेस को हम तो एक सिंपल एक मंथ का ले रहे हैं वहां से हम लोग अरे यार हम ये नहीं कह रहे कि क्या आएगा वो तो जो आना होगा वो आएगा ही मैं कह रहा हूँ कि किसी भी चीज की प्रक्रिया तक कैसे पहुंचे क्या कर रहे हैं आप जैसे 1 से 31 तक मैं देख रहा हूँ तो आपने या तो हम ऐसे करें अगर छोटा फिगर है तो एक वरना हम क्या करें 31 में से एक घटाएं आप यही नहीं कर रहे होंगे टोटल दिन जोड़ रहे होंगे जी 31 में 31 से 1 के बीच में कितने दिन हो गए 30 डेज हो गए गैप 30 का है तो आपने कहा कि 30 डेज में कितने हो गए 30 डेज में 4 हफ्ते आपके बीत गए 4 हफ्ते बीत गए तो कितने दिन और बच गए 2 हफ्ते और 2 दिन और बीत गए तो चौथा हफ्ता जो बीता है उस दिन संडे था फिर मंडे ट्यूसडे 2 दिन बचा और 31 को वेडनेसडे तो, सॉरी ट्यूसडे क्या हो रहा है एक चौथा हफ्ता जहां बीता है उसमें आपका हुआ संडे फिर अगला मंडे और ट्यूसडे हाँ ये आ गया यानी हम लोग ये करें एग्जैक्टली वही प्रोसेस में पाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक कितने दिन हो रहे हैं टोटल जोड़ने पे सर 185 डेज हो रहे हैं अगर हम 15th जुलाई को भी कंसीडर कर रहे हैं तो अच्छा यहाँ हमने कंसीडर यहाँ तो हम लोगों ने किया था ना यहाँ तो हम लोग यही कर रहे हैं ना कितने दिन हो रहे हैं सीधे दिस माइनस दिस कर दे रहे हैं जी सर हाँ तो यहाँ पे कितने हो रहे हैं टोटल डेज 185 जी सर अब ये देखिए कि 7 का मल्टीपल कितना है 7 × 2 = 14 और ये हो गया 4 × 4 = 42 यानी 26 हफ्ते हो रहे हैं बीच में जी सर और 2 दिन और बच जा रहा है जी सर 2 दिन बच रहे हैं तो सर वो जो फिर कुबेर 2 दिन बच रहा है तो सर 182nd डे जो है 182nd डे जो है वो सर वो संडे हो जाएगा हाँ 3 दिन बचेगा 3 दिन हाँ सही कह रहे हो यार सर 3 दिन बचेंगे ना हाँ फिर मंडे ट्यूसडे का होगा था
12 को संडे था, 3 दिन जो अलग से बचा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। सर अगर हम ऑड डेज को पकड़ते हैं तो वो जल्दी हमें आंसर दे देते हैं, कौन डेज ऑड सर, डेज। नंबर ऑफ ऑड डेज। अच्छा ऐसा होता है क्या कुछ? जी सर ऐसे कर लेते हैं सर कि जैसे 12 जनवरी उसने दे रखा है, तो 12 को छोड़ दीजिए, जनवरी में जितने डेज बचे उनको रख लीजिए, बाकी फेब्रवरी में जैसे 29 डेज है तो एक और डे बचेगा, 7 तो पूरे हो जाएंगे वो। अच्छा, हाँ अच्छा वही सर आपके वाला ही अच्छा। काउंट। यस सर, हाँ सर सर 28 कंसेप्ट डेज वही है, 7 से डिवाइड करके 28 28 का पैकेट बना के जितने बचते जाते हैं डे महीने में ओके। उनका एडिशन कर देते हाँ हैं। जो हम लोग यहाँ कर रहे थे नहीं कि जी सर 28 लग गया, 4 यहाँ बता रहे। जी सर हाँ सर यहाँ ये पे जो ज्यादा वही। एडिंग, यस हाँ सर यहाँ पे जो एडिंग हमने 26 डेज कर दिया, ये 17 डेज था। पीछे हाँ हाँ सर जो हम 26 डेज निकाल रहे थे उसमें। अच्छा, 28 का पैकेट ये खत्म हो गया, ये एक बचा रह गया, इधर कितना बचा रह गया, तीन, तीन इधर बचेगा सर, कितना, इधर दो, तीन, दो, यहाँ कितना, तीन, यहाँ दो, दो, तो जोड़िए जरा, इधर कितना दिन हो गया था, ये कितने दिन हो गया था, तो ये 3 1 4 2 6 3 9 2 11 और ये 15 कितना, 26 है ना, और ये कितना दिन हो गया था, 19 डेज। कितना हुआ था ये 19, हाँ तो 19 और 26 कितना हो गया था, 15 2 17 3 20 2 22 3 23 1 24, 24 हुआ ना, ये 24 हुआ, 26 हुआ, 26 और 19 हो गया कितना, 45 दिन। फिर कैसे करेंगे अब, सर से 28 दोबारा को सेवन से खत्म, डिवाइड कर दीजिए, 28 28 के पैकेट बन हाँ जाएंगे, सात फिर सौ दोबारा बयालीस से दिन आ गया, हाँ 3 बच गया, सही बात है, सही तरीका है। सर तीन को एक्चुअली फिर क्या आप है, समझ संडे से कर लीजिए, गया समझ मंडे गया, ट्यूसडे वेडनेसडे। ये जो हम लोग यहाँ क्लिक कर रहे थे कि हाँ ये संभव है 28 28 से कटा दे, बेसिकली यही प्रोसेस है ये, लेकिन लेकिन फिर वहां कहाँ गलती हो रही थी सर एक तो सर, हमने 12 से 31 लिया था जिसमें हमने 20 डेज लिए थे, ओके हाँ और कुछ गलतियां हमने एडिंग में की हैं। ठीक है चलिए। एक क्वेश्चन ट्राई करिए, हाँ देखिए काम करिए। एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें बेसिकली थोड़ा सा अर्थमेटिक लगेगा, इसको थोड़ा करते हैं कैसे क्या क्या होगा। छह जो है ना वर्टिकल लाइंस हैं ऐसी, और थोड़ा सोचिएगा, छह वर्टिकल लाइंस हैं, एक एक दो तीन चार पांच छ, सिक्स वर्टिकल लाइंस हैं और सिक्स इक्विडिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ठीक
ठीक है, छह लाइंस ऐसे हैं और छह लाइंस हॉरिजॉन्टल है, एक दो तीन चार पांच और ये छह, ठीक है। आप बताइए कितने नंबर, सिक्स बाई सिक्स का ये है, ये कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स बनेंगे इसमें और कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बनेंगे? बताइए, मैं क्लास ले रहा हूँ, आपको 9:30 तक फोन करता हूँ, 9:30 तक जी, फिर देखता हूँ। इसको थोड़ा और सिंपल करो, मान लो कि ऐसा कर देता हूँ, दो वर्टिकल लाइन और दो हॉरिजॉन्टल लाइन, या तीन तीन वर्टिकल लाइन तीन हॉरिजॉन्टल लाइन, कितना मैक्सिमम स्क्वायर पॉसिबल है, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं? 5 होंगे सर। कितने? अच्छा, अगर तीन कर देता हूँ, एक लाइन दो लाइन तीन लाइन, एक लाइन दो लाइन तीन लाइन, तब चार कर देता हूँ, एक दो तीन चार, चार ही होंगे, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, अब कितने हो गए? तीन हो रहे हैं। अच्छा, और किसी का? बोलिए सर, 14 हो रहा है इसमें, तो गिन सकते हो यार, और किसी का? कुबेर, फोर्टीन हो रहे हैं, ठीक बात है, तो कुछ क्या हो रहा है? प्रतीक्षा, ज्वाला चौहान, क्या 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 ऑप्शन? तो इसका ये पैटर्न, हाँ, इसका कितना होगा, कितना आ रहा है आंसर? इसका 48 बनना है सर। नहीं यार, कुबेर कितना आ रहा है? कितना आ रहा कुबेर? हाँ
नहीं कितना आ रहा है कुछ तो पैटर्न समझो, प्रतीक्षा कितना आ रहा है? प्रतीक्षा जी सर 48 से तो सर ज्यादा ही आ रहा है सर, पैटर्न ये तो सर इस क्या पर बात लग रहा होती है। है? अरे यार तुम लोग ये यही चाबी है जहां मैं दिखाया हूं अभी, नकुल बताया ना इसमें 5 आ रहा है, जब हमारा 2 क्रॉस 2 है तो 5 आ सर रहा है, एन स्क्वायर प्लस 3 क्रॉस। हाँ सही है, ऐसे सीखो इसको। यहाँ क्या हो रहा है, एक होता एक था तो कितना, देखो दो लाइन थी, एक था तो 1 क्रॉस 1 वाले में क्या था, 1 स्क्वायर। यहाँ क्या था 5 को, ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। यहाँ कितना है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, हो रहा है क्या? जी सर हो रहा है। तो अब यहां क्या होगा सोचिए, अब तो हो जाना चाहिए यार। जी सर फिर आंसर नहीं बताऊंगा, नाइन्टी वन सर, 91 91 91 कैसे, 1 स्क्वायर, हाँ वन सर, वन स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस टू स्क्वायर प्लस ऐसे करके। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। अच्छा जरा 4 वाले में भी देखें ऐसा आ रहा है क्या, 1 2 3 4, इसमें कितने थे, 1 2 3 थे, 1 2 3 4 थे, 5 लेते हैं, 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसा लेते हैं, तो यहाँ कितने आएंगे, यहाँ आ जाएंगे 1 2 3 4 4 16 तो ऐसे आ गए, और 1 2 3 ऐसे 3 यहाँ आ जाएंगे, 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 9 है ना, 9 25 आ रहा है ना, तो इसमें जी वन सर स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो इसमें कैसे आ रहा है, इसमें 25 कैसे आएंगे? अच्छा बीच में भी तो आएगा, ये भी आएगा 26। और एक सर, एक देखो सर होल है सर पूरा वाला सर, एक अच्छा हाँ एक ये भी है, और फिर हाँ इसमें ज्यादा आ जाएगा, यानी इसमें कितने आएंगे, करीब 16 9 25 4 29 31 आएंगे, बताइए। इसमें 30 आएंगे क्या, 30 दिख रहे हैं क्या इसमें? सर गिन के तो सर 27 बनना है सर। ये तो यहां तक तो हम लोग का फंडा ठीक था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर ये 10, और ये फिर 11, ये 12, ये 13, और बड़ा वाला 14। यहां तो ठीक है फंडा, ये फंडा यहां क्यों गलत हो रहा है? 16 ऐसे हो गए, और एक सिंगल सिंगल वाला ऐसे हो गए, फिर दो वाले एक ऐसा हो गया, फिर दूसरा ऐसा हो गया, फिर तीसरा ऐसा हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, 3 3 6 3 9 ऐसे हो गए, और कोई और एक ये हो गया, तो 16 9 प्लस 1 हो गया। अब 3 3 का देखते हैं, हाँ 3 3 का देखो, एक ये 3 का हो गया, एक ये 3 का हो गया, 2, एक ये 3 का हो गया, एक और ये हो गया 4, और एक जो है बड़ा वाला हो गया 4 क्रॉस 4 का, एक तो आ रहा क्या 30? 30 ही आएगा सर, सर 30 ही आएगा। हाँ तो कैसे, ये एक क्यों एक्स्ट्रा आ गया, ये 16 हाँ कहीं गलती हो गई नहीं, एक 4 16, और 1 2 3 1 2, अच्छा ये अलग से एक रिपीट हो गया, ये ठीक था, ये ठीक तो है, ये 30 आ रहा है, तो ठीक है सही बात है, 91 आना चाहिए, क्यों? सिक्स इक्वी डिस्टेंस लाइंस, लेकिन 6 लाइंस अगर ड्रॉ सर करते 55 आएगा सर, 6 लाइन ड्रॉ किए थे ना फिफ्टी यहाँ, फाइव आएगा ना सर, तो ग्रिड तो 5 की हाँ बनी ना। तो ये 2 क्रॉस 2 की ग्रिड है ना, 1 2, हाँ
सिक्स लाइंस हैं सर। ग्रिड तो हाँ 5 की बनी। हाँ 1 2 3 4 5, ये 5x5 की ग्रिड है, इसका आंसर 55 आएगा। अच्छा चेस बोर्ड में कितने जी हैं? सर चेस बोर्ड में कितने होंगे? क्या जी क्या दिक्कत? आप सोइए जा करके। चेस बोर्ड में कितने होते हैं? 8x8 होते हैं क्या? चेस बोर्ड में कितने होते हैं? 8x8 या 16x16? चेस बोर्ड में कितने नंबर ऑफ जी स्क्वायर सर? 8x8 होती है 64 होते हैं जी सर। हाँ 64 होते हैं, 8x8 होते हैं सर। हाँ 64। हाँ तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे? देखो ना, हम लोग ऐड करते हैं ना, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर, कितना होता है? ये होता है n × n+1 × 2n+1/6 होता है ना जी सर। तो क्यों बेवकूफी कर रहे हैं हम लोग, जोड़ रहे हैं यार। कैलकुलेटर इसी नियम पे बना था, पास्कल इसी नियम पे चले थे, तो इसमें क्या कर दोगे तुम? तुमको जोड़ना पड़ेगा 1 स्क्वायर से 8 स्क्वायर तक। तो उतना टाइम तक जोड़ोगे क्या सारा का सारा? कितना आएगा देखो, ये फार्मूला याद कर लीजिए। 204। हाँ 204। तो प्रतीक्षा तुम भी ऐसे कर रही थी क्या, ऐसे जोड़ जोड़ के? सर मुझे ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पता था, नंबर ऑफ ग्रेड जब होती हैं तो स्क्वायर कैसे निकलते हैं। क्या क्या फॉर्मूला था सर? वही n² 1² + 2² + 3² + n² सर, वो सीधे सीरीज होती है, n + n+1 2n+1, जब स्क्वायर का एडिशन करते हैं तो सर। हाँ लेकिन लेकिन आप जब इसका निकाल रही थी तो इसको भी आप क्या कर रही थी, ऐसे कर रही थी क्या कि 1 + 2 4? नहीं सर, मैं n + n+1 2n+1/6 से कर रही थी। तब भी इतना टाइम लग रहा था सर? मैंने ये शुरू में ही कर लिया था, मैं जानबूझ के नहीं बोल रही थी। ओके अच्छा, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितना होगा? जैसे मैं बात करूं, अगर 2x2 वाले में, 3x3 वाले में, 3x3 की ग्रिड है ऐसे, तो इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे और नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने होंगे? कैलकुलेट कर लो यार। तो गिनने पे सर 18 हो रहा है। कितना कितना स्क्वायर कितना आ रहा है, स्क्वायर कितना आ रहा है, स्क्वायर कितना आ रहा है? वेक्टर 18 हो रहा है, 18 आ रहा है काउंट करने पर। अच्छा 1 स्क्वायर प्लस 2 9 4 14 आ रहा है यार। और रेक्टेंगल कितना आ रहा है? रेक्टेंगल 3 बनना है सर काउंट करने पे। कितना आ रहा है नकुल जी, कितना आ रहा है रेक्टेंगल?
सर 18 18 आ रहा है रेक्टेंगल नकुल का, और किसी का कुबेर आपका कितना आ रहा है? कुबेर ज्वाला, ठीक है ज्वाला, ज्वाला है नहीं क्या? प्रतीक्षा कितना आ रहा है? बोलो यार तुम लोग कुछ तो बोलो, कोई कितना आ रहा है रेक्टेंगल? मतलब स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल। कुबेर देखिए, जब रेक्टेंगल पूछता है ना तो हम उसमें स्क्वायर भी शामिल कर लेते हैं, एक बात तो ये ख्याल रख लीजिए, ठीक है ना? तो चलिए गिनते हैं, मेरे पास 14 तो रेक्टेंगल स्क्वायर हो ही गए, और एक ये मिल गया, दूसरा ये मिल गया, तीसरा ये मिल गया, चौथा ये मिल गया, चार, पांचवा ये मिल गया, छठवा ये मिल गया, यानी दो दो चार दो छह मिल गए, प्लस छह हो गए, प्लस इसी तरह दो ये मिल गया, एक ये मिल गया, एक ये वाला, फिर ये वाला, ऐसे ही ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, कितने मिल गए? छह ऐसे मिल गए। बोलिए, फिर एक रेक्टेंगल कैसे, एक बड़ा वाला ये रेक्टेंगल, फिर ये रेक्टेंगल, फिर ये रेक्टेंगल, तीन ऐसे हो गया, फिर ये बड़ा वाला तीन रेक्टेंगल, क्यों? छह ऐसे मिल गए। बोलो, प्लस 6 32, प्लस और कुछ दिमाग काम कर रहा है? हाँ तो बताए, ये वाला ना, ये वाला, एक ये, दो और ये तीन और ये ऐसे वाला, चार, कितना आया? 46। कौन बोल रहा है? अरे यार बाद में जब मैं लिख दे रहा हूं तो उसको जोड़ रहे हैं केवल आप लोग, किसी का अपने से 36 आया? नहीं, मैं कितने लोग नकुल आवाज नहीं आ रही है, मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या किसी को अब तक समझ में आया कि 36 होगा? फिर से मैं दोहरा रहा हूं, किसी को समझ में आया 36 कैसे होगा? कुबेर समझ में आया 36 कैसे होगा? हेलो, प्रतीक्षा समझ में आया? जी सर। तो क्या अगर 6 by 6 में तो हम लोग पागल हो जाएंगे फिर, 3 में जब इतनी हालत हो रही है तो कैसे करेंगे इसको? सर कुछ जनरल ट्रेंड ये फॉलो कर रहा होगा जरूर। तो क्या फॉलो कर रहा है? देखिए, जब अगर मतलब इस बात को लिख ले हम लोग कि n क्रॉस n की अगर ग्रिड होती है, n क्रॉस n की ग्रिड है, तो इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर पूछे तो सिंपल सिग्मा n स्क्वायर कर देते हैं, मतलब 1 square plus 2 square up to n square, दैट इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2 n प्लस 1 बाई 6। और जब नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स पूछे तो ऑब्वियसली रेक्टेंगल्स में वो इंक्लूडेड होंगे स्क्वायर्स, दैट विल बी सिग्मा एन क्यूब, मतलब 1 cube plus 2 cube plus 3 cube and so on up to n cube। ये होता है
एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। बेसिकली सिग्मा एन होता है वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू एन, ये होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, ये होता है ये सिग्मा एन स्क्वायर होता है ये सिग्मा एन क्यूब होता है ये सिग्मा एन क्यूब, बेसिकली ये सिग्मा एन का स्क्वायर हो जाता है टोटल का, यानी ये इतना हो जाता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, तो तीन वाले में देखो तीन इंटू तीन प्लस वन बाई टू इसका होल स्क्वायर, तो कितना हो गया ये चार हो गया, चार तीन बारह बटा दो हो गया 36। तो अगर चेस में हम बोले हैं कि भाई चेस में हमारा 8x8 का ग्रिड है, 8x8 का ग्रिड है, यानी कितनी लाइंस है, 9 वर्टिकल लाइंस है और 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस है, तो हमको लाइंस पे नहीं जाना है, हमको ग्रिड पे जाना है। तो अगर नंबर ऑफ स्क्वायर्स पूछे तो क्या बोल देंगे, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स। और नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स पूछे तो ऑब्वियसली उसमें इंक्लूडेड होगा स्क्वायर्स, ये होगा कितना 8 इंटू 8 प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, कितना आ रहा है 97। अरे ये कितना आ रहा है 97 कहां से आएगा, 36 का स्क्वायर 97 होगा, सॉरी सर सो रहे हो क्या, कितना 1296। हाँ और ये कितना, हाँ और ये कितना आ रहा है 100%। नहीं नहीं जो भी ब्रश करेगा, अभी दूध पिया है क्या, जितना दूध पिला दो उसको, जो ब्रश करो साथ में ब्रश करो। हाँ आया क्या जी सर। अच्छा अगर मैं पूछूं चेस बोर्ड में ऐसे स्क्वायर्स, ऐसे रेक्टेंगल जो स्क्वायर ना हो, वो कितने होंगे नकुल, नकुल कितने होंगे, अरे इसमें तो स्क्वायर इंक्लूडेड था ना भाई जी सर, ये तो स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल दोनों था, स्क्वायर इतना है तो क्या कर देंगे हम लोग माइनस, हाँ तो घटाइए आप लोग कितना आ रहा है 1092। तो ये बात ख्याल में रहे, ये चीज ख्याल में रहे, है ना जी सर। लेकिन ये ज्यादा खुशफहमी बहुत देर तक चलेगी नहीं, अगर हम बात कर लें कि कुछ ऐसा कर लें कि इक्वल ना हो, यहाँ तो इक्वल था, खैर मुझे लगता है कि इससे ज्यादा पूछेगा नहीं, इससे ज्यादा रेक्टेंगल पूछेगा नहीं, इसमें एन क्रॉस एन का ग्रिड ही पूछेगा, स्क्वायर ही पूछेगा। अगर हम ग्रिड्स अनइक्वल कर दें कि इधर एम कर दें इधर एन कर लें तो क्या होगा, खैर तो ये चीज ठीक थी गुड। जैसे अगर मैं अनइक्वल कर लूं 3x2 का ग्रिड ले लेता हूं, थ्री क्रॉस टू का ग्रिड है, तो आप बताइए नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं और नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं, और नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर्स ये कितने हैं? बता तो सकते हैं ना तीन में यार, Thank you.
बताइए अच्छा अच्छा और किसी का अभी आ रहा हूँ बेटा और किसी का मैं कुछ खाई बेटा मम्मा से पूछ लो कुछ दिया गया भूख ही ना सोए मम्मा माया कुछ को माया किसी को खाने को दिया है दवाई भी लगाने सुबह भी नहीं लगवाई किसी का आया नकुल नकुल जी और किसी का हुमा जी सर आया कुछ सर नंबर ऑफ स्क्वायर्स तो 8 है रेक्टेंगल 80 है विदाउट स्क्वायर 10 है ज्वाइन करो यार नकुल अच्छा ठीक है अब क्लास हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है देखिए देखिए स्क्वायर को ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे ना इस बात को भी ध्यान रखिएगा अगर m क्रॉस n ग्रिड होती है तो उसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि जैसे 3 × 2 है ना तो 3 × 2 था तो तब तक मल्टीप्लाई करते चले जाइए जब तक ये लास्ट में 1 ना बच जाए 3 × 2 + 2 × 1 तो कितने हो गए 8 हो गए और नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स अगर पूछे तो जितने हैं m m m m क्रॉस n का अगर ग्रिड है ना तो उसमें ऐसे कर लीजिए m × n + 1 एक जोड़ लीजिए फिर n × n + 1 और डिवाइडेड बाय 4 कर लीजिए एक बढ़ा के और एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर लीजिए यानी 3 × 2 था एक एक बढ़ा लो 3 × 4 × 2 × 3 डिवाइडेड बाई 4 चार चार कट गया 3 × 2 = 6 × 3 = 18 आ गया कि नहीं आ गया जी सर यानी कि अगर हम बात यानी हाँ अगर हम बात करें कि मान लीजिए कुछ हमको दे दे 4 × 3 का 1 2 3 4 ऐसा कुछ दे दे एक ऐसा दे 4 × 3 का तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स क्या हो जाएंगे 4 इधर है 3 इधर है तो 4 × 3 है तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स कैसे निकालिएगा
फोर इंटू थ्री प्लस थ्री इंटू टू प्लस टू इंटू वन, 12 और 6 18, हाँ 20 आ गया। हाँ और नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कैसे निकालेंगे, चार में एक से ज्यादा पकड़ लीजिए, पांच, चार और पांच को मल्टीप्लाई करिए 20, और तीन में एक ज्यादा पकड़ लीजिए, चार, फोर और थ्री को मल्टीप्लाई कीजिए 12। अब इन दोनों को एक बढ़ा के पांच में चार से, मतलब चार में एक बढ़ा के पांच, फिर तीन में एक बढ़ा के चार, डिवाइडेड बाई चार, चार चार कट गया 60, क्यों? हाँ तो ऐसे नंबर ऑफ रेक्टेंगल, हाँ नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स जो स्क्वायर नहीं है क्या हो जाएंगे, 40। तो ये बात समझ में आई? जी सर। मुझे लग रहा है अगर ये लेक्चर रिकॉर्ड, हाँ अगर ये लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो रहा हो तो इस बात को अलग से लिख लीजिए, एम क्रॉस एन के ग्रिड में नंबर, अच्छा ठीक है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, हाँ तब डाल दीजिएगा, नंबर ऑफ स्क्वायर्स क्या करेंगे, m इंटू एन प्लस m माइनस वन इंटू एन माइनस वन, और ये तब तक जब तक वन ना आ जाए ना, जी सर, वन ना आ जाए। और नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स अगर पूछे तब क्या करेंगे, m इंटू एम प्लस वन, हाँ एन प्लस वन बाई फोर, फोर ये हो जाएगा। ये तो m क्रॉस n के लिए हो गया, और n क्रॉस n के ग्रिड में होगा क्या, सॉरी हाँ n क्रॉस n में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्क्वायर्स करा ही दिए हैं सिग्मा n स्क्वायर, और नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हो जाएगा सिग्मा ऑफ n क्यूब, राइट ये ठीक रहेगा। तो हाँ ऐसा करते हैं, कल आज हम एकदम दिमाग से बात ही उड़ गई थी, एक वेबसाइट बना रहे थे और एक एक लोग हैं वो पता नहीं क्या, वो सब झूठ झूठ बोल रहे थे सब वेबसाइट वाले, उसी में झगड़ा हो गया है 7:30 बजे तक, मैं तब ध्यान आया मुझे जब व्हाट्सएप देखा हूँ तब। तो ठीक है कल 7:30 बजे फिर से बैठेंगे, और एक क्या करें अर्थमेटिक वाली शीट भेज दें क्या।